रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम मोहसिन योर बायोलॉजी टीचर फॉर कैट सेशन आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर फाइव है तो एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ आज के लेक्चर में जो की कॉन्सेप्ट या कोर्स कॉन्टेंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जिसमें हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंटली एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए theories दी गई हैं वो कौन सी हैं उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड जिसको हम करेक्टरिस्टिक का नाम भी देते हैं डार्विनिज्म जिसमें हम थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे डार्विन थेरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि नेचुरल सिलेक्शन है उसके क्या की फीचर्स थे और किन ऑब्जर्वेशन की बेस पर डार्विन ने यह थे प्रपोज की जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन सबसे पहला तो दैट विल बी द ग्रेजुअल चेंज पैसेज ऑफ टाइम अगर हम इनडली अदर वे में डिफाइन करना चाहें तो एवोल्यूशन सीरीज ऑफ प्रोसेस है दैट ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी प्रेजेंट टूडे जो आज के दौर में लाइफ मौजूद है वो किस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ की चेंजिंग की वजह से सीरीज ऑफ चेंजेस की वजह से बनी है उनको स्टडी करना उन प्रोसेसेस को देखना एवोल्यूशन कहलाता है अब ये अर्लीस्ट फॉर्म से प्रेजेंट डे की लाइफ तक आने के लिए बुनियादी तौर पर चेंजेस आई चेंजेस किस लेवल पर आई चेंजेस विल बी एट जेनेटिक लेवल तो हम इसी पॉइंट को दूसरी सूरत में देख सकते हैं चेंजिंग इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम यानी कि एक पॉपुलेशन में विद रेफरेंस टू टाइम ड्यूरेशन सीरीज ऑफ चेंजेस आती गई और अल्टीमेटली एक न्यू स्पेशी या एक न्यू इंडिविजुअल इवॉल्व हुआ अब ये जो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसका रिलेशन किससे है यानी कि हम बेसिस ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में चेंजेस इनवायरमेंटल कंडीशन के साथ रिलेट करती हैं यही पॉइंट हम थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में भी डिस्कस करेंगे तो अगर एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है डार्विन जिसने नेचुरल सिलेक्शन की सूरत में एविडेंस की बेस पर एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया इस एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन के पास ये कॉन्सेप्ट फर्स्टली कंप्रिहेंसिव मॉडल की सूरत में लामार्क ने दिया यानी कि लामार्क बुनियादी तौर पर कंप्रिहेंसिव मॉडल देने वाला साइंटिस्ट था लेकिन उसकी एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन नहीं थी उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुनियादी अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इन बातों को बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर होती है लेकिन जब डार्विन ने उनकी बातों को ऑब्जर्वेशन पे ग्लैप आइलैंड पे जाके स्टडी किया तो उसने देखा कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर नहीं है बल्कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है दैट इज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि लमार्क का, का कंट्रीब्यूशन क्या थी और उसके बाद डार्विन की क्या कंट्रीब्यूशन थी जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ रहा था और वो बुनियादी तौर पर नेचर के अंदर आने वाली चेंजेस को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहा था इसने अपनी एक थेरी पेश की जो कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक थी ये एक फर्स्ट कंप्रिहेंसिव मॉडल भी था जो कि एवोल्यूशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा था इसकी थेरी के की फीचर्स दो थे जिसमें इसने बुनियादी तौर पर कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर है एंड यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन है दूसरे नंबर पे डार्विन आया और डार्विन ने आके कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर नहीं होती बल्कि उसके मुकाबले में नेचर सेलेक्ट करती है ये तो दोनों साइंटिस्ट जो है वो एवोल्यूशन को जो है वो प्रोमोट कर रहे थे लेकिन उसके मुकाबले में ऑपोजिट एवोल्यूशनिस्ट के ऑपोजिट जो साइंटिस्ट थे या थियोलॉजिस्ट थे दैट वर द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सपोर्टर ऑफ द ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसका मतलब एवोल्यूशन जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को दो बुनियादी डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया पहला जिसमें स्पेशल क्रिएशन या क्रिएशनिस्ट थे जो कि गॉड बिलीवर्स थे या थियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि ऑल लाइफ फॉर्म आर स्पेशली और स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर यानी कि कोई भी जो लाइफ फॉर्म मौजूद है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती हर फॉर्म ऑफ लाइफ को क्रिएट किया गया है बाय द नेचर लेकिन उसके ऑपोजिट जो एवोल्यूशनिस्ट थे जिसमें खास तौर पर जो लमार्क और डार्विन थे इन्होंने ये कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है दैट इज ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू इवॉल्व ओवर टाइम इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से इंडिविजुअल खुद को इवॉल्व कर सकते हैं अब जो स्पेशल uh, क्रिएशन वाले थे ये तो थियोलॉजिस्ट थे जिनका एक्सपेरिमेंट्स uh, या ऑब्जर्वेशन से कोई लिंक नहीं था यह सिर्फ और सिर्फ uh, अपना एक फेथ की बुनियाद पर अपने ईमान की बुनियाद पर बात करते हैं जिसमें एविडेंसेस की ऐसा जरूरत नहीं उसके मुकाबले में जो एवोल्यूशनिस्ट हैं अब ये दोनों का जो पैरेलल कॉन्सेप्ट था इसमें हम दोनों में से किसी को भी गलत साबित नहीं कर सकते बिकॉज फेथ हैव अटमोस्ट डिसीजन उसमें कहा जाता है कि जो आपके ईमान में बता दिया गया दैट इज फाइनल उसके मुकाबले में एवोल्यूशनिस्ट जो हैं वो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर और हम अभी ओरिजिन ऑफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवॉल्व हुआ और उसके प्रोसीजर को एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म नहीं कर सकते तो इसका मतलब दोनों जो थेरीज हैं उनके अपने अपने लिमिटेशंस और अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो की फीचर्स मौजूद हैं और इसी तरह से हम इन दोनों फीचर्स को स्टडी करते हैं अब अगर हम एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को ओरिजिन ऑफ लाइफ पर एक्सप्लेन करें तो उसमें कहा गया कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई दैट वाज फर्स्टली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेंट हाइपोथेसिस। व्हाट इज वेंट हाइपोथेसिस इसमें कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स में फर्स्ट जो इंडिविजुअल इवॉल्व हुए वो अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स में थे और उनको नाम दिया गया वेंट्स और इसी वजह से ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो के लाइफ ओरिजिनेटेड इन ऑशन अंडर वाटर थे उसमें जो हमारे पास फॉसिल मिलते हैं वो आर्क्यो के हैं जो के अभी भी कुछ उसमें इंडिविजुअल मौजूद हैं जो के अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे या प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोकैरियोटिक लाइफ थी वो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकती थी और बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हम जानते हैं कि जो लाइफ है वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुई और जो इस जमीन का इस अर्थ की डेवलपमेंट है उसका भी हम कहते हैं कि ये सन से अलग हुई और उसका इनिशियली बहुत टेम्परेचर हाई था और यही इसका एविडेंस है कि जो इस पे अर्लिएस्ट लाइफ मौजूद थी वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखती थी अब जो शुरू में लाइफ मौजूद थी वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे और वो इस दुनिया से जो न्यूट्रिएंट है इस एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं उनको हासिल कर रहे थे अब लिमिटेड न्यूट्रिएंट होने की वजह से लाइफ को कन्वर्ट होना पड़ा फोटोसिंथेटिक फॉर्म पे तो आर्क्योबैक्टेरिया जो है वो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हुए ये आगे हम इसकी भी बात करेंगे कि फॉर्म जो है वो ऑटोट्रोफिक में किस तरह से कन्वर्ट हुई बैक्टेरिया जो कि हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म थी वो फोटोसिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हुए अब फोटोसिंथेटिक में कन्वर्ट होने के लिए हम इसके लिए एंडोसिम्बायोंट थ्योरी की बात करते हैं जो कि लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो आर्क्योबैक्टेरिया थे दैट वर द बैक्टीरिया जो के हॉट स्प्रिंग्स में या अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते थे और उनसे डेवलपमेंट हुई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की अब जो फोटोसिंथेटिक थे अर्लिएस्ट फॉर्म जो फोटोसिंथेटिक की थी वो सल्फोजेनिक बैक्टीरिया थे मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को इंस्टेड ऑफ वॉटर यूज करते थे अर्लिएस्ट जब ये जमीन का जो है वो फॉर्मेशन हुई ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई तो उस वक्त कहा जाता है कि देर इज नो सच एविडेंस ऑफ वॉटर ऑन द अर्थ जैसे ही सल्फोजेनिक बैक्टीरिया ने हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करना शुरू किया तो उनसे वॉटर की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई जो कि वॉटर वेपर्स की सूरत में आना शुरू हुए अब उससे दो बेनिफिट्स हुए एक ये कि इस दुनिया का टेम्परेचर वेपर्स वेपराइज होने की वजह से वॉटर के टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ और दूसरे नंबर पर जो चेंज आई वो क्या थी कि इस दुनिया पे वाटर जो है उसकी डेवलपमेंट हुई जैसे ही वाटर बना तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन जो है वो वाटर की मौजूदगी में यानी कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होना शुरू हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई अब जैसे ही ऑक्सीजन बनना शुरू हुई तो उससे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की लाइफ ओरिजिनेट हुई और उसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ओजोन लेयर फॉर्मेशन थी अब इस ओजोन लेयर की फॉर्मेशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो जमीन की तरफ आना कम हो गई और जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो इस जमीन की तरफ आना कम हुए तो अल्टीमेटली जो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो इस तरह से इस दुनिया पे ऑक्सीजन की डेवलपमेंट पहले वाटर की डेवलपमेंट हुई वाटर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने के लिए ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई अब ये सारा प्रोसेस जो है इसकी वजह से जैसे ऑक्सीजन फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले इंडिविजुअल जो हैं यानी कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाले हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म जो है और ऑटोट्रॉफिक दोनों कंडीशन जो है वो डेवलप हो गई अब ये सारी डेवलपमेंट तो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट प्रो जो कि इस दुनिया पे लाइफ के रिजन के लिए रिक्वायर्ड थी लेकिन इससे अगली बात जो है वो प्रो से यू की डेवलपमेंट थी ये ख्याल किया जाता है कि जो ऑजोन लेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई दैट वाज अप्रोक्सीमेटली फोर बिलियन ईयरस गो और उसके बाद जो प्रो कैरियॉर्ट की के डेवलपमेंट है तकरीबन 3.5 मिलियन गो जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और प्रो कैरियॉर्ट जो थ्री 3.5 बिलियन ईयर्स गो था उससे यू कैरियॉर्ड जो है वो 1.5 बिलियन फाइव बिलियन डेवलप हुए तो ये जो एरा था जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई तो उसके बाद ये प्रो प्रोकैरियोट से यू की डेवलपमेंट शुरू होगी नाउ वट अबाउट प्रो कैरियर टू यू तो यहां पे दो किस्म की हाइपोथेसिस एक्सप्लेन की जाती हैं। एक कहा जाता है दैट इज एंडोसिम्बायोंट जो कि तीन लफ्जों से है एंडो का मतलब इनसाइड सेम टुगेदर एंड बायोलाइफ यानी कि एक लार्जर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने स्मॉलर बैक्टीरिया को इनगल्फ uh, किया और इनगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी में उसको रखना शुरू किया और अल्टीमेटली वो उसके ऑर्गनल के तौर पर बिहेव करना शुरू कर दिया एज अ सिंबायोसिस पहले रहा और फिर उसके ऑर्गन पे यानी कि लार्जर बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट हो गया इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं लिन मार्गुलस इन्होंने तीन की फॉर्मेशन जो है उसके डेवलपमेंट की बात की इसके तरीके से उन्होंने कहा कि एक बैक्टीरिया जो लार्जर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है अगर वो एक ऐसे बैक्टीरिया को जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है उसको इनगल्फ करे और वो उसकी बॉडी में एज अ सिम्ब रहना शुरू कर दे तो दैट मे बी द डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को मतलब साइनोबैक्टीरिया को अगर इनगल्फ uh, करे वो उसमें सिंबाय रहना शुरू कर दे तो दैट में बी द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसी तरह से अगर स्पाइरो को पार्शली इनगल्फ किया जाए और वो उसके साथ सिंबायोटिकली रहना शुरू कर दे तो दैट में बी द डिवेलपमेंट ऑफ फ्लैजिला तो इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंट ऑर्गन की डिवेलपमेंट इस तरीके से हो सकती है उसके मुकाबले में इन्वेजिनेशन मेथड जो है वो बताया गया कि कुछ सेल्स में इन्वेजिनेट करती है अब होता क्या है कि बुनियादी तौर पर एक सेल है उसके पास अपना जिनोम मौजूद है सबसे पहले वो अपना जिनोम डुप्लीकेट करता है और फिर मेम्ब्रेन जो इन्वेजिनेट होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आना शुरू हो जाता है और ये भी अ किया जाता है कि शायद इस प्रोसेस के जरिए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट हुई तो ये दो मेथड जो हैं वो हाइपोथेटिकली बताए जाते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है इस वजह से ये दोनों हाइपोथेसिस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं जिसमें कहा जाता है या तो एंडोसिम्बायोसिस हुई या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हुआ जिसके जरिए एक स्ट्रक्चर यानी कि जो सिंगल प्रो कैरियोटिक सेल था वो सिंगल यू कैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट में कहा जाता है कि प्रो कैरियोटिक सेल से फर्दर जब यू कैरियोटिक बने तो वो यूनिसेलुलर था फिर कोलोनियल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और कोलोनियल जो है जिसमें पहले सेल्स एक दूसरे पे पार्शली डिपेंडेंट थे फिर कंप्लीटली डेवलपमेंट डिपेंडेंट होने की वजह से वो मल्टी uh, सेलुलर में जिसमें पहले टिश्यू की फॉर्मेशन फर्दर ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हुई ये सारी बात जो है वो डिफरेंट uh, हाइपोथेसिस uh, और थेरीज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की जाती है कि हाउ द लाइफ इज ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ अब जो ये लाइफ की ओरिजिनेशन का या लाइफ के ओरिजिन का प्रोसेस था इसको जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया तो उसमें दो मेजर साइंटिस्ट थे जिसमें लामार्क और डार्विन। तो लामार्क का जो कॉन्सेप्ट था उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जिसको लामार्किज्म का नाम भी दिया जाता है इस थेरी को हम कहते हैं फर्स्ट मॉडल यह बुनियादी तौर पर ऐसा मॉडल था जो कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थी एवोल्यूशन के बारे में कंप्रिहेंसिवली और इसी बात को फर्दर जो है वो करेक्शन की तरफ लेके गया था डार्विन जिसका एविडेंस बेस्ड मॉडल था इसका मॉडल जो है वो एविडेंस बेस्ड नहीं था इसने दो पॉइंट जो है उनके ऊपर अपना जो ये थेरी है उसको एक्सप्लेन किया उसमें पहला मॉडल था यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन जैसे हम अगर यूज की एग्जांपल देखें तो इसने ये कहा कि एक इसके दोस्त ब्लैक स्मिथ की एग्जाम्पल दी इसने कहा कि वो क्योंकि आर्म्स के यूज ज्यादा करता है तो अल्टीमेटली उसके बाइसेप की डेवलपमेंट होगी एक्सरसाइज की वजह से इसी तरह से लिम जो है लेग्स की डेवलपमेंट रनिंग की वजह से ज्यादा हो गई तो इसने यूज में आर्म या बाइसेप ऑफ ब्लैक स्मिथ इसकी एग्जाम्पल दी इसी तरह से इसने डिसूज ऑफ ऑर्गन में मुख्तलि मिस यूज और डिस यूज में डिफरेंस है मिस यूज का मतलब होता है यूज किया जाए लेकिन इनगेटिव मैनर डिस यूज का मतलब होता है ऑर्गन को यूज ना किया जाए जब ऑर्गन को यूज नहीं किया जाएगा तो आता आहिस्ता, आहिस्ता उसकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है या उसका फंक्शनल एस्पेक्ट लॉस्ट हो जाता है जैसे जो दोनों प्वाइंट अगर देखें कि डिस यूज के केस में अगर ऑर्गन लॉस हो या फंक्शन लॉस हो मिसाल के तौर पर इसने जब एग्जाम्पल दी स्नेक लिम्ब की जो कि लॉस ऑफ ऑर्गन की सूरत में आया इसने कहा कि यह बुनियादी तौर पर स्नेक जो है अर्लियर डेवलपमेंट के दौरान उनमें लिम्स मौजूद थे और फिर अपना शिकार पकड़ने के लिए जब वो मूव करते थे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से अपने शिकार को नहीं पकड़ पाते थे या इनको जब कोई पकड़ना चाह रहा होता था तो इनकी साउंड प्रोडक्शन की वजह से इनके लिए अपने आप को छुपाना कंसील करना मुश्किल हो जाता था तो एनवायरमेंटल कंडीशन से कॉप नहीं कर रहे थे अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनको अपने ऑर्गन्स को यानी कि लिम्स को यूज करना कम करना पड़ा और अपने पेट के बल जो है वो रेंगना शुरू किया और अल्टीमेटली आहिस्ता-आहिस्ता इनके ऑर्गन्स जो है यानी कि लिम्स की डिजनरेशन स्टार्ट हुई और आहिस्ता-आहिस्ता इनके लिम्स खत्म हो गए इसकी हम अगर साइंटिफिक एविडेंस देखें तो उसमें कहा जाता है कि जो स्नेक है वो लेगलेस टेट्रापोड है मतलब इनके पास पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल इनके स्केलेटन में मौजूद है लेकिन आउटर फोर लिम्ब और हैंड हांडलिम नहीं है जिसका मतलब ये हुआ कि इनके जो प्री हैं जो इनके एंसेस्ट्रल कंडीशन हैं उनके अंदर लिम्स मौजूद थे इसी तरह से इसने कहा कि कुछ ऑर्गन जो हैं वो लॉस नहीं करते लेकिन अपना फंक्शनल एस्पेक्ट लॉस्ट कर देते हैं जिसमें मेजर एग्जाम्पल जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन की है जैसे ऑस्ट्रिच बर्ड uh, जो है उसको फ्लाइटलेस बर्ड में कन्वर्ट कर देना यानी कि उसके जो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन लॉस कर गए और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि अपना वो वेस्टिजियल ऑर्गन और बाकी भी डिफरेंट हमारी बॉडी में अपेंडिक्स है इसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन डिस ऑफ ऑर्गन का नाम दिया गया जिसका पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ रोल था और बाद में फिर रामिनें के तौर पर एक्ट करने लगी तो इसका मतलब ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर में फंक्शनल लॉस्ट भी हो सकता है इसके बाद जो दूसरा इसका एस्पेक्ट था, था वो अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक था इसका मतलब यह था कि इंडिविजुअल जिन करेक्टर को अपनी लाइफ में करता है, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं और यही इसकी बड़ी मिस्टेक थी कि इंडिविजुअल करेक्टर एक्वायर जो करता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि जो करेक्टर नेचर सपोर्ट करती है उस करेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है जो कि था डार्विन का इसके अकॉर्डिंग इसने कुछ एग्जाम्पल दी इसने एक एग्जाम्पल जो कि जराफे एग्जाम्पल दी जराफ केस में यह कहता है कि हुआ यह था कि वो हॉर्सेस से डेवलप हुए और हॉर्सेस की नेक जो है वो शॉर्ट थी और जब वो जमीन से ग्रासेस खाते थे तो एक वक्त आया जब उस एरिया से ग्रासेस खत्म हो गए जब ग्रासेस की लिमिटेशन हुई कमी हुई डेफिशिएंसी हुई तो अल्टीमेटली उनको जो दरख्तों के पत्ते खाना पड़े और वो जराफ जो के वो हॉर्सेस जो के पत्ते तक पहुंच पाते थे वो उनको फूड मिली सरवाइव किए उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और उनके करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुए और इस तरह से छोटी गर्दनों वाले जो इंडिविजुअल थे उनको सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रिजेक्ट किया गया और अल्टीमेटली नेक्स्ट इंडिविजुअल्स नेक्स्ट जितनी भी लाइफ जो है वो कुछ अरसे के बाद ये बात समझ आई कि ये इंडिविजुअल जो है वो uh, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन लंबी गर्दन वाला करेक्टर जो है वो प्रमोट हो रहा है और शॉर्ट नेक वाले जो करेक्टर वाले इंडिविजुअल हैं वो खत्म हो रहे हैं और एक वक्त ऐसा आया कि जब आहिस्ता आहिस्ता जिराफ जो है वो डिवेलप हुए जिनका नेक uh, जो है वो बहुत लंथी थी और इसी तरह से इसने स्नेक की एग्जांपल दी कि लिम्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता यूज करना छोड़े थे और नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर ये चीज जो है वो डीजेनरेट होना शुरू हुई और आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रक्चर भी लॉस कर गया ऑस्ट्रिच में भी इसने यही एग्जांपल दी लेकिन इस एक्सपेरिमेंट इस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली जो है वो ऑगस्टस विस्मैन ने रिजेक्ट कर दिया था उसने क्या किया उसने तकरीबन 68 एट के केस में यह देखा कि उनकी वो टेल काट देता था और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर देखता था कि क्या उनकी टेल नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आती या टेल का साइज रिड्यूस होता है तो उसने ऐसा देखा कि ना तो टेल खत्म हुई ना ही उसके साइज में माइनर रिडक्शन आए इससे उसने यह कहा कि जो करेक्टर एक जनरेशन में एक इंडिविजुअल अपने लिए अडेप्ट करता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि जिस करेक्टर को नेचर फेवर करती है वो करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है जो कि का कॉन्सेप्ट था तो इसके जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट uh, नहीं था कोई तो इस वजह से इसके जो uh, इस इनहेरिटेंस uh, की जो थेरी थी उसमें कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स थे जिसमें सबसे पहला कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसने नहीं दिया इसने सिर्फ अपनी जो सोच थी उसको ही अप्लाई किया और कहा कि आई थिंक सो के नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसमिट होगा। और दूसरे नंबर पे कोई ऑर्गन नया या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना तो कोई नया ऑर्गन बनता है ना ही किसी ऑर्गन को मिस यूज या डिसयूज करने की वजह से वो खत्म होता है तो जो कि अगस्टस वीज मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर दिया था अब ये लामार्क का जो कॉन्सेप्ट था इसी कॉन्सेप्ट uh, को क्योंकि लमार्क ने ये प्रोसेस जो है वो 1809 में तकरीबन एक्सप्लेन किया और उसी साल में इसके कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने वाला साइंटिस्ट पैदा हुआ जो कि डार्विन था डार्विन चार्ल्स डार्विन जो है ये 1809 में शुरू में पैदा हुआ और इसने एक ग्लैपिगस uh, आईलैंड पर अपनी एक एक्सपेरिमेंटल की बुनियाद पर इसने ये बात साबित की देर इस अब जो का था, इसके कुछ थे जिसमें different different को करते आ रहे थे तो इसने बींग ए नेचुरलिस्ट उन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड किया और अपनी इस थे अंदर एक्सप्लेन किया जिसमें कुछ साइंटिस्ट जो है वो काबिल जिक्र हैं जिसमें सबसे पहले कार्लस लीनियस था इसने बायोनोम नोम क्लेचर एक्चुअली सबसे पहले डायवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में जो है वो ऑर्डर में उसको डिवाइड uh, किया और ये थियोलॉजिस्ट भी था जो कि एवोल्यूशन का बिलीवर नहीं था लेकिन इसने क्लासिफिकेशन uh, का प्रोसेस या नेमिंग ऑफ द इंडिविजुअल में एक मेन रोल प्ले किया था दूसरे नंबर पे लामार्क इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन की जो कि फर्स्ट कंप्रीहेंसिव मॉडल था जिसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर भी कहा जाता है थर्ड वन वाज माल्थस जिसने प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन पे एक ऐसे लिखा जो कि बहुत हेल्पफुल साबित हुआ नेक्स्ट वन वाज कैवियर इसने पेलियनटोलॉजी और अर्थ हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया दैट वाज अबाउट कैटेस्ट्रोफिज्म लायल थे जिन्होंने जियोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ अर्थ थी इसके बारे में इसके प्रिंसिपल्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया और फिर डार्विन ने जो वोवेज ऑफ एच एम एस बिगल जो कि उसका मशहूर सफर था उस पे उसकी बुनियाद पे एक प्रिंसिपल जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे एक ऐसे लिखा और उसके बाद जो है वो एक बुक जो है वो उसको भी पब्लिश किया Mendel ने जो इनहेरिटेंस के लॉज एक्सप्लेन किए जो कि इनहेरिटेंस के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे थे आइदर इट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर और इनहेरिटेंस बाय द नेचुरल सिलेक्शन और इसी तरह से वैलस ने अब मेंडल ने जो काम किया था उसी काम को एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने एक पेपर रिसर्च पेपर की सूरत में उसकी तरफ भेजा और अल्टीमेटली उसी के काम को जो है वो एक्सप्लेन किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो इस तरह से हो रही है अब जो डार्विन था इसका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने हाउ ही हैज टू कम एट द पॉइंट के नेचर किस तरह से सिलेक्ट करती है जो कि लामार्क के कॉन्सेप्ट के एग्जैक्टली ऑपोजिट exactly था लामार्क ये कहता था कि इंडिविजुअल सिलेक्ट करता है लेकिन डार्विन ये कहता था कि इंडिविजुअल का सिलेक्शन में रोल नहीं होता बल्कि नेचुरल फोर्सेस एनवायरनमेंट ये सिलेक्ट करती है जैसे हमने स्टार्ट में एवोल्यूशन की डेफिनेशन के साथ ये बात पढ़ी कि जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसको सिलेक्शन uh, या एवोल्यूशन की बेसिस जो है वो एनवायरनमेंट का एक मेजर रोल होता है मतलब एनवायरनमेंट जिन करेक्टर्स को फेवर करेगी वही इंडिविजुअल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना जिसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग की सूरत में इन अदर टर्म आर्टिफिशियल केस में हम कह सकते हैं वो नेचर भी इसी काम को कर रही होती है जो करैक्टर बेहतर होता है उसी करैक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है तो डार्विन का इस बारे में क्या ख्याल था उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ डार्विनिज्म जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये जो एक ऐसा मॉडल था जो कि एविडेंस बेस्ड था इसने बुनियादी तौर पर जैसे मैंने कहा कि ये इंग्लैंड के सिटी श्रोबरी में पैदा हुआ और इसने जो नेचुरलिस्ट के तौर पर काम किया और इसका एक बहुत मशहूर किस्म का सफर जो कि एच एम एस बिगल जिसको साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन की तरफ जो है वो भेजा गया उसमें ये शामिल था इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी दैट वर फ्लोरा एंड फाना ऑफ साउथ अमेरिका साउथ अमेरिकन कोस्टलाइन लाइन पर जो एनिमल uh, और प्लांट्स मौजूद थे उसको इसने क्लोजली ऑब्जर्व किया और वहां से कुछ स्पेसिमेंट कलेक्ट भी किए इसने वहां पे जो देखा इसने कहा कि वहां पे जो लाइफ मौजूद है पर्टिकुलरली ग्लैपिगस आइलैंड्स पे इसने कहा वहां पे जो लाइफ मौजूद है वो रिजेंबल कर रही है मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका लेकिन क्लियरली डिफरेंट है फ्रॉम द लाइफ ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ यूरोप यानी यूरोप में जो लाइफ है वो अमेरिकन लाइफ से डिफरेंट है और साउथ अमेरिका की लैंड पे जो लाइफ है वो समवट रिलेटेड है विद द ग्लैपिगस आइलैंड और इसने ग्लैपिगस आइलैंड से जो स्पेसिमन कलेक्ट किए वो दो तरह के आ, स्पेसिमन थे इसमें एक तो इसने थर्टीन टाइप्स ऑफ फिंचिस जो कि बर्ड्स थे वो कलेक्ट किए और उसमें उसने देखा कि इन तमाम फिंचेस में बीक का जो पैटर्न है साइज या शेप में समवट डिफरेंस है और ग्लैपगस जो के खास तौर पर इसका नाम टॉर्टॉयज की बेस पे था वहां से उसने टॉर्टॉयज भी ऑब्जर्व किए जो के दो तरह के थे दैट वाज सैडल शेप्ड शेल कंटेनिंग टॉर्टॉयज और उसके साथ साथ डोम शेप्ड तो ये दो इसकी बुनियादी वहां से कलेक्शंस थी और ऑब्जर्वेशन थी जिसकी बुनियाद पर इसने अपना कंक्लूजन अपनी इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ये कंक्लूड किया कि देर इज नेचुरल सिलेक्शन अब जिस वक्त इसने ये देखा कि जो लैंड पर लाइफ मौजूद है वो उसमें स्लाइट वेरिएशन के साथ ग्लैपगस आइलैंड पर लाइफ मौजूद है तो इसने कहा कि हो सकता है कि इससे पहले ये आइलैंड जो है वो इस लैंड के साथ अटैच्ड हो और यहां पे एक ही जैसी लाइफ थी जैसे ही वो उससे अलहदा हुए इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई तो उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से वहां पर जो एनवायरमेंट में चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ने अडेप्ट किया और अल्टीमेटली इवॉल्व कर गए और स्लाइटली चेंज हो गए अब इस प्रोसेस को उसने समझा और उसने कहा कि ही परसीव्ड ऑन यूनिटी ऑफ लाइफ यानी कि उसने कहा कि जितनी भी लाइफ मौजूद है उसका ओरिजिन एक है और उसी से डिफरेंट लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है इसने कहा कि देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इज जस्ट लाइक अ ट्री उसने कहा बिल्कुल जैसे एक ट्री होता है जिसका मेन पॉइंट एक है उससे जब लाइफ जो है वो आगे चलती है तो अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट हो जाती है और इससे फिर फर्दर लाइफ जो है वो इवॉल्व हो सकती है और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस बन जाती हैं और इन ब्रांचेस को उसने अंडरस्टैंड किया और उसने कहा कि दीज आर जस्ट लाइक द ट्री अब अगर आप इस ट्री को देखें तो यहां पर जो लाइफ मौजूद है और यहां पर लाइफ फॉर्म जो है या यह यहां पे लाइफ फॉर्म मौजूद है उस सब का ओरिजिन यहीं से है यानी कि अगर आप इसका ओरिजिन ट्रेस करना चाहें तो फॉसिल रिकॉर्ड होने की बुनियाद पर आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं इसी तरह से इसका ओरिजिन जो है वो ट्रेस करना चाहें तो आसानी से ट्रेस किया जा सकता है इफ यू हैव कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड तो इसने ये कहा कि ये बुनियादी तौर पर परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो स्पीशीज हैं बुनियादी तौर पर ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम ओल्डर स्पीशीज और उनका आपस में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है कनेक्शन होता है अब ये कंक्लूजन पे जब आया तो इसने कहा कि इसने एक नेचुरल सिलेक्शन पर ऐसे लिखा जिसमें इसने डिटेल बताई और उसमें अपने उस ऐसे के अंदर नेचुरल सिलेक्शन का जो ऐसे था इसमें उसने मेन जो वो डिस्कस है। अब इसका ऐसे पब, पब्लिश होने से पहले ही एक पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जो कि एल्फ्रेड वेलस ने लिखा जो कि थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहलाया अब इसका जो रिसर्च पेपर था वो एग्जैक्टली exactly सेम था जो कि ऑब्जर्वेशन की थी डार्विन ने अब डार्विन का जो अनपब्लिश्ड डाटा था और उसके साथ साथ वेलस की जो ये रिसर्च पेपर था उसको सोसाइटी ऑफ लंदन में जो है वो एक्सप्लेन किया गया और उसकी एक प्रेजेंटेशन दी गई और उसके बाद फिर इसने अपना जो काम है उसको स्पीडअप किया और अपने इस ऐसे के साथ एक कंप्रिहेंसिव डिटेल्ड बुक जो है वो पब्लिश की और उसमें इसने बुनियादी तौर पर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का जिक्र किया कि हाउ द प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन विल अकर इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इसने दो पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किए पहला पॉइंट इसने कहा देर इज डेसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन डेट विद मॉडिफिकेशन का मतलब यह था कि डिसेंडेंट जो आएंगे वो स्लाइटली मॉडिफाई होते जाएंगे इसका मतलब एंसेस्ट्रल जो इंडिविजुअल्स हैं वो कॉमन होंगे और यही बात जो है वो उसने कहा कि ये जो लाइफ का डिफरेंट वैरायटी मौजूद है उन सब का ओरिजिन कॉमन है तो इसका मतलब एवोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन जस्ट लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्री दूसरे नंबर पे इसने कहा देर इज नेचुरल सिलेक्शन एंड इंडिविजुअल में करेक्टर्स uh, होते हैं नेचर एंड अडेप्टेड बाय द इंडिविजुअल इसी पॉइंट को अनदर साइंटिस्ट ने जो प्रिज्यूम uh, किया इससे उसने कहा देर इज सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट जो इंडिविजुअल बेहतरीन होगा नेचर में उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उसी इंडिविजुअल के करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे क्योंकि जो इंडिविजुअल सिलेक्ट होगा जो सर्वाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा बाकी जो सर्वाइव नहीं करेगा उसकी फर्दर जनरेशन नहीं आएंगी तो अल्टीमेटली प्योरिफिकेशन होती रहेगी कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव करना चाहिए करेक्टर वाला और कौन सा इंडिविजुअल किस करेक्टर वाला इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करना चाहिए अब इस नेचुरल सिलेक्शन को उसने अपने तीन पैरामीटर्स पे एक्सप्लेन किया फर्स्ट वन वाज ओवर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन का मतलब यह था कि इंडिविजुअल जो ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं यानी कि फर्टिलिटी में फकंडिटी शो करते हैं ज्यादा इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करते हैं उसमें बेहतर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है जिन इंडिविजुअल में प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल कम होती है उसमें सिलेक्शन ऑफ द फिटनेस जो है वो टफ uh, हो जाती है मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि हंड्रेड परसेंट जो है वो एक पेपर uh, जो है वो अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से टॉप पोजिशन वाला जो है वो ज्यादा एफर्ट करने वाला सिलेक्ट होगा और अगर वही पेपर जो है वो पांच लोग अटेम्प्ट करें तो उसमें से जो टॉप पोजीशन वाला है दैट इज मे और मे नॉट बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन तो जितने ज्यादा इंडिविजुअल होंगे उसमें से नेचर के लिए सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा तो इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन जो है वो फेवर करती है नेचुरल सिलेक्शन को दूसरे नंबर पे इसने कहा स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अब जो इंडिविजुअल स्ट्रगल करेगा वही सरवाइव करेगा ऐसा नहीं है कि देर इज रैंडम सर्वाइवल यहां रैंडम सर्वाइवल नहीं है सर्वाइवल इज नॉन रैंडम जो कि जिस इंडिविजुअल ने सरवाइव करने के लिए अडेप्टेशन की वो सरवाइव करेगा और उसी की रिप्रोडक्शन की वजह से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब देर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दैट इज नॉट रैंडम ये सिलेक्टिव uh, होगी वो इंडिविजुअल ही करेंगे जो के स्ट्रगल uh, करेंगे वही सरवाइव करेंगे हर इंडिविजुअल पे रैंडमली ये अप्लाई नहीं किया जाएगा और उसके बाद अनइक्वल एबिलिटी ऑफ सर्वाइवल यानी कि ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअल जो है वो एक जैसा हर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है उसके अंदर बनने वाली प्रोटीन उसका मेटाबोलिज्म डिफरेंट है तो इसका मतलब हर इंडिविजुअल के पास यूनिक करेक्टर्स मौजूद हैं और उन्हीं करेक्टर्स को नेचर फेवर करेगी या अनफेवर करेगी तो जिन करेक्टर्स को फेवर किया जाएगा वो करेक्टर जिन इंडिविजुअल में मौजूद होंगे वो सर्वाइव करेंगे और जिसमें नहीं होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ये वो बेसिक पॉइंट्स थे जो कि डार्विन ने अपने इस पॉइंट में एक्सप्लेन किए और इस बुनियाद पर उसने कहा कि देर इज एक्चुअली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर नहीं है बल्कि नेचुरल सिलेक्शन है नेचर हैज कैपेसिटी टू सिलेक्ट द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर विच वर फेवर्ड बाय द नेचर ये डार्विन का कॉन्सेप्ट जब हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है इसी को हम सिंथेसिस का नाम भी देते हैं ये थ्योरी ऑफ सिंथेसिस अब ये जो न्यूडार्बिनिज्म है एक्चुअली डार्विन के कॉन्सेप्ट को बुनियादी तौर पर पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी किया जा रहा था और उसमें अगर जेनेटिक पॉपुलेशन और या पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस डार्विनिज्म दोनों को इकट्ठा जो है वो रिकनसाइल किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है या इससे जो हम एक फर्दर थेरी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं दैट इज न्यू डार्विनिज्म जो न्यू डार्विनिज्म है इसको मॉडर्न सेंसिस क्यों कहा गया जब इसी डार्विन की जो थेरी है उसको इंटीग्रेट किया गया डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज के साथ जिसमें पेलिंटोलॉजी है टेक्सोनोमी बायोजियोग्राफी एंड पॉपुलेशन जीनेटिक्स पे एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है कि जो मॉडर्न साइंस है उसमें किस किस फील्ड के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाता है या जो न्यू डार्विनिज्म है उसमें डार्विन के कॉन्सेप्ट को किस स्टडीज के साथ या किस जो थेरी है या फील्ड है उसके साथ रिकनसाइल uh, किया जाता है तो उससे न्यू डार्विनिज़ बनता है तो हमने कहा कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स जब रिकनसाइल होती है तो उससे का प्रोसेस कंसिडर किया जाता है और जो फील्ड्स इसके साथ इंटीग्रेट किए जाती हैं ताकि या मॉडर्न सेंथिस के बारे में बात की जा सके तो दैट इज पैलेंटोलॉजी टेक्सोनोमी बायोजोग्राफी पॉपुलेशन जेनेटिक्स इसके अलावा भी डिफरेंट जो फील्ड हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है और फर्दर इस प्रोसेस को इनहांस किया जा रहा है जिससे जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है उसको ब्रॉडर आस्पेक्ट

प्रोडक्ट बदलने की वजह से फंक्शन चेंज होंगे सो दैट लीड्स टू द वेरिएशन जब भी वेरिएशन आती है तो वेरिएशन ऑलवेज लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन तो इसका मतलब इनडायरेक्टली एवोल्यूशन uh, के लिए ये रोल प्ले करेगी इसके अलावा जेनेटिक रिकम्बिनेशन अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस जो है क्रॉसिंग ओवर के केस में या रिप्रोडक्शन के में जब क्रॉसिंग uh, ओवर का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आएगा अल्टीमेटली चेंज इन द जेनेटिक मेकअप देन लीड्स टू द वेरिएशन सो कॉल्ड एज द मेजर कॉज ऑफ द एवोल्यूशन इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन अब नेचर जो है वो करेक्टर्स को सिलेक्ट करती है फिर से हम यही कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें नेचर जो है वो फेवर करेगी करेक्टर्स को जिसकी बुनियाद पर डार्विन ने थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी और अल्टीमेटली इसकी वजह से एवोल्यूशन जो है उसका जो है वो मेजर काज हो सकती है जेनेटिक ड्रिफ्ट अब जेनेटिक ड्रिफ्ट हम कहते हैं सडन चेंज पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जब भी जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आए अब्रप्ट चेंज आए तो उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट इसमें बड़ा सिंपल सा ये प्रोसेस समझा जा सकता है मिसाल के तौर पर एक एरिया में एक पॉपुलेशन के जो कुछ इंडिविजुअल्स है वो रह रहे थे अब अगर उनमें से कुछ इंडिविजुअल उस एरिया से किसी दूसरे एरिया की तरफ चले जाते हैं तो अल्टीमेटली अगर वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं तो आ, फेवर आ, जो करेक्टर्स करेंगे उनके जीन्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे और अल्टीमेटली कुछ जो करेक्टर्स के जीन्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और इस वजह से जो जेनेटिक फ्रिक्वेंसी है उसमें सडन चेंज आ जाएगा और अल्टीमेटली दैट विल लीड्स टू जेनेटिक ड्रिफ्ट और जैसे ही सडन चेंज आएगा तो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो हैं वो अपने आपको अडेप्ट कर लेंगे और ये अल्टीमेटली एवोल्यूशन के प्रोसेस की तरफ जाएगा इसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे किसी भी फिजिकल या किसी और बैरियर की वजह से कुछ इंडिविजुअल एक खास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उनसे सेपरेट हुआ और वो रिप्रोड्यूस करना शुरू किए और बाकी इंडिविजुअल के साथ रैंडम मीटिंग का प्रोसेस नहीं रहा इस वजह से वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अलहदा हुआ है उसके अंदर जो जीन्स मौजूद थे सिर्फ वही नेक्स्ट जनरेशन में आते जाएंगे और बाकी जो जीन्स हैं जो कि एक ब्रॉडर पॉपुलेशन के अंदर मौजूद थे वो आ, उस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ग्रुप में या

अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल होती है जिसमें थोलॉजिस्ट हैं या गॉड बिलीवर्स हैं उसमें कुछ जो स्पेशल uh, क्रिएशन पर बिलीव करने वाले हैं वो एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते तो जो हैं वो खास तौर पर कुछ एविडेंसेस पेश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देर ऑब्जर्वेशन एज वेल एज पर्टिकुलर विजुअल एविडेंस एज वेल एज अदर्स तो उन एविडेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में बहुत सारे एविडेंसेस में चंद एक जो कि ज्यादा रिलायबल एविडेंस हैं उसमें पहला एविडेंस कंसिडर किया जाता है बायोजियोग्राफी और यही वो एविडेंस था जो कि डार्विन ने जिस एविडेंस की बुनियाद पर ये नेचुरल सिलेक्शन की जो थेरी है वो एक्सप्लेन की थी और एवोल्यूशन की जो बुनियाद रखी थी जो बायोजियोग्राफी है इसको सिंपली अगर लफ्स देखें तो बायोजियोग्राफी इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हम जानते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ डिफरेंट एरियाज ऑन अर्थ मौजूद हैं मतलब जो एशियन रीजन में जो लाइफ है शायद वो अमेरिकन में मौजूद नहीं है या अफ्रीकन रीजन में जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में नहीं है तो उसकी वजह क्या है मुख्तलिफ जो अर्थ के एरियाज हैं उसमें मुख्तलिफ या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ क्यों है तो उसकी वजह इन्वायरमेंटल कंडीशन है एशियन रीजन में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो जिन करेक्टर्स को फेवर करती हैं उन करेक्टर वाले इंडिविजुअल यहां सरवाइव किए बाकी यहां पर मौजूद नहीं है इसी तरह से मॉडिफिकेशन uh, होती रहती है जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं एंड दैट मॉडिफिकेशन लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अब इसमें एग्जाम्पल दी जाती है कि जो फर्स्ट सजेस्टेड आइडिया यानी कि जब ग्लैपिगस आइलैंड पे गया था तो उसने जो फिंचेस देखे और टोर्टॉइज वहां पे देखे उस बुनियाद पर वो बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही थी यानी कि वो uh, जो ग्लैपिगस आइलैंड था वो से सेपरेट था स्लाइड वेरिएशन थी और uh, वहां के जो इंडिविजुअल थे वो यूरोप के इंडिविजुअल से टोटली डिफरेंट थे तो ये बुनियादी तौर पर बायोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर उसने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया इसमें एक एग्जाम्पल दी जाती है जो आर्मेडलिस जिनको हम आ, आर्मर्ड मैमल्स का नाम देते हैं जो कि सिर्फ अमेरिका में मौजूद है अब ये इंडिविजुअल जो हैं उनके एंसेस्टर्स देखें रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो ये बुनियादी तौर पर उनके साथ रिजाम्बल करते हैं और इसके अलावा मुख्तलि एरिया में जो इंडिविजुअल हैं वो इनसे टोटली totally डिफरेंट है इसी तरह से हम कैंगू की एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन में सिर्फ मौजूद है और मुख्तलि इंडिविजुअल जो कि पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हैं जो कि अपनी बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं अच्छा हमने शुरू में ये कहा था कि कॉमन एंसेस्टर हैं और उनसे ही मॉडिफिकेशन हुई जैसे मिसाल के तौर पर कॉमन एंसेस्टर जो कि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग record हमें मिलते हैं दीज आर प्रोकैरियोट्स इनसे डेवलपमेंट होती गई और अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व हो गई और उसकी वजह सिर्फ यही है कि एनवायरमेंटल कंडीशन जिस एरिया में जिस करेक्टर को सूट करने वाले इन्वायरमेंटल कंडीशंस मौजूद हैं उसी करेक्टर के इंडिविजुअल उस एरिया में ज्यादा होंगे जैसे अगर ये कहा जाए कि जो uh, ये आर्मेडल है ये बाकी दुनिया में मौजूद क्यों नहीं है तो उसकी वजह यही है कि इससे इन के करेक्टर्स को फेवर करने वाली इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अमेरिकन रीजन में है इसी तरह से अगर दूसरा एक क्वेश्चन किया जाए कि व्हाई नॉट ऑल हॉर्सेज हैव कैपेसिटी टू डेवलप इनटू द जुराफ तो उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया से हॉर्सेस इसलिए जुराफ में कन्वर्ट नहीं हुए क्योंकि दो कंडीशन थी एक तो सबसे पहली जो मेन कंडीशन थी दैट वाज एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि जिस एरिया में ग्रास जिस पैच ऑफ द लैंड पे ग्रास खत्म होना शुरू हुई और इंडिविजुअल ने ग्रासेस जो है वो अपर ग्रासेस की बजाय लीव्स को खाना शुरू किया तो अल्टीमेटली वो कैरेक्टर वाला इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट होता गया और आ, उसके लिए लमार्क ने कहा कि उनकी जो नेक है वो लंबी होती गई तो लमार्क का कहना यह था कि जो हॉर्सेज़ हैं उन्होंने खुद से यह अडेप्ट किया कि उनका करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो लेकिन डार्विन का यह कहना था कि इंडिविजुअल यह सिलेक्ट नहीं कर सकता कि उसका करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो या ना हो बल्कि इन्वायरमेंट जिस करेक्टर को फेवर करेगी उस करेक्टर वाले इंडिविजुअल जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे और उसके इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे और अल्टीमेटली जो फेवर्ड करेक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा और जो आ, ऐसा करेक्टर है जिसको एनवायरमेंट फेवर नहीं कर रही वो एलिमिनेट हो जाएगा जैसे जो लॉन्ग नेक का करेक्टर था उसको इन्वायरमेंट फेवर कर रही थी और अल्टीमेटली लॉन्ग नेक कंटेनिंग इंडिविजुअल जो है वो डेवेलप कर गए और अल्टीमेटली जो शॉर्ट नेक वाले इंडिविजुअल थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया उस पर्टिकुलर पैच में बाकी दुनिया में क्यों नहीं हुआ तो उसका सादा सा जवाब था कि बाकी सारी दुनिया में क्योंकि ग्रास दुनिया से खत्म नहीं हुई जमीन से खत्म नहीं हुई तो इसलिए इस करेक्टर को प्रमोट नहीं किया गया बाकी दुनिया में तो इस वजह से वहां पे हॉर्सेस ही रहे और वो जुराफ में कन्वर्ट नहीं हुए तो ये एक जो है वो बायोजोग्राफिकल आइडिया जो है वो दिया जा सकता है दूसरा जो एविडेंस है दैट इज रिकॉर्ड फॉसलिकॉर्ड रिकॉर्ड को कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग विजुअल एविडेंस है यानी कि ऐसा एविडेंस है जो कि देखा जा सकता है हम फॉसिल कलेक्ट करते हैं और उन फॉसिल को कंपेयर कर सकते हैं तो उस बुनियाद पर ये विजुअल एविडेंस कंसीडर किया जाता है और एक एविडेंस कंसीडर किया जाता है जिसको हम पैलियंटोलोजी uh, में स्टडी करते हैं जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है दैट आर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट में कौन से आर्कियोबैक्टीरिया जो के uh, जो हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं अच्छा फॉसिल रिकॉर्ड में जब हमें फॉसिल मिलते हैं तो जो सिंपल फॉसिल है उससे कंप्लेक्स फॉसिल की तरफ जब हम जाते हैं तो एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन भी ओल्ड से न्यू होता जाता है यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉसिल हैं वो अर्लियर टाइम पीरियड में मौजूद थे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में और जो कंप्लेक्स इंडिविजुअल हैं वो ओल्ड यानी कि जो टाइम पीरियड में जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में न्यू एराज हैं उसमें मौजूद हैं तो इन फॉसिल्स को स्टडी करके हम ये देख सकते हैं इंडिविजुअल का जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें एक खास तरतीब बनती है और उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम स्टडी कर सकते हैं जैसे क्रोनोलॉजिकल अपरेंस जो है वो उसमें देखें तो क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल इन फॉसिल रिकॉर्ड देखें तो इसमें कहा जाता है कि तमाम जो इंडिविजुअल आज मौजूद हैं क्रोनोलॉजिकल अपेयरेंस हम कहते हैं कि अगर हम फिशेस एमफीबियन रेपाइल बर्ड्स और मैम देखें तो फिश के जो फॉस में और एम्फीबियन के उसके बाद है अकॉर्डिंग टू जोलॉजिकल टाइम चार्ट फिर रेपटाइल्स के हैं और फिर उसके बाद बर्ड्स और मैम तो मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के पीरियड में भी हम सिंपल से कंप्लेक्स की तरफ जा सकते हैं जो फॉसिल मिलते हैं इन फॉसल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है यह कहा जाता है कि फॉसल्स आर द रेमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विच प्रेजेंट इन द पास्ट। जो पुराने वक्तों में मौजूद थे अब उनके जो बॉडी के हार्ड पार्ट्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में जो इनकी बोन्स हैं जो कि हार्ड हैं जो के डिग्रेड uh, uh, नहीं होती तो अल्टीमेटली इनके फॉसल्स बन जाते हैं अब जो जो इसके अंदर बोन के अंदर टिश्यू मौजूद होता है उसका जो अंदर फ्लूड मौजूद होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जिसमें खास तौर पर कैल्शियम कंटेनिंग मिनरल्स हैं या कार्बोनेट्स जो हैं वो उससे वो उसको रिप्लेस किया जा सकता है अब इस फॉसिल की जो अपेयरेंस है या फॉसल जो है वो मौजूद कहां होते हैं तो ये रॉक्स में मौजूद होते हैं अब तीन तरह की रॉक्स हैं जिसमें हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स जो कि लावा से बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स तो जो सुटेबल कंडीशन मोस्ट सुटेबल कंडीशन है फॉसल के प्रिजर्व होने की तो दैट इज सेडिमेंट्री रॉक ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि फॉसल जो है वो किस एरिया में या किस किस्म की रॉक में सबसे ज्यादा बनते हैं तो द आंसर विल बी सेडिमेंट्री रॉक इसी तरह से जो डिफरेंट फॉसिल हमें मिलते हैं उसकी बुनियाद पर हम डिफरेंट मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की जो एवोल्यूशन है उसका भी अंदाजा लगाते हैं जैसे हॉर्स की एवोल्यूशन देखें तो उसमें जो इंस इंडिविजुअल थे Eohippus, और जो एडवांस इंडिविजुअल आज के दौर में मॉडर्न हैं हैं वो है। तो इसका मतलब इसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं जिसमें स्लाइट वेरिएशन आती है और उस वेरिएशन के मुताबिक हम इसकी फाइलेटिक लीनियज बनाने के लिए कामयाब हो जाते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल किससे इवॉल्व हुआ इसीलिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमें कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो अल्टीमेटली हम ओरिजिन ऑफ लाइफ तक यानी कि जो सबसे पहला इंडिविजुअल था उस तक पहुंच सकते हैं अब कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड प्रोड्यूस या उसको जो है वो इकट्ठा नहीं किया जा सकता उसकी वजह क्या है कि तमाम इंडिविजुअल में हार्ड पार्ट्स मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम वो बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं कि जिनके हार्ड पार्ट्स ना होने की वजह से पर्टिकुलरली इनवर्टिट के तो हम उनके फॉसल जो है वो नहीं हासिल कर पाते और अल्टीमेटली हम उसका फॉसल रिकॉर्ड एक प्रॉपर चेन की सूरत में नहीं बना पाते सो so, इस रिकॉर्ड को अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो एवोल्यूशन को प्रूव किया जा सकता है तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए जो कि एविडेंस था दैट वॉज कंपेरिटिव अनाटमी हम डिफरेंट इंडिविजुअल के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करें तो फिर भी हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि देर इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अब इसको किस तरह से कहा जाता है अगर Anatomical similarities of the species देखी जाएं, तो उसी बुनियाद पर पर भी की जाती है। जैसे मिसाल के तौर आप अगर आ, दो किस्म के आ, हम आ, आ, comparative anatomy में पढ़ते हैं जिसमें एक कहा जाता है होमोलॉजी एंड दूसरा एनालॉजी इससे होमोलॉजी में इंडिविजुअल में होमोलोगस ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है homologous इनको हम define करते हैं दोज ऑर्गन विच आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक यानी कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करेंगे मिसाल के तौर पर हम देखें तो स्ट्रक्चरली हम इंटरनल बोन uh, की अरेन्जमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो फोर आर्म यानी कि जो हैंड uh, की आर्म की बोन्स हैं इन केस ऑफ ह्यूमन फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स एज वेल एज विंग ऑफ बैट ये तीनों इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो सेम है यानी कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है एक जो है वो फ्लाइट uh, के लिए इस्तेमाल होता है एक रनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा कैप्चरिंग के प्रोसेस के लिए या डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका मतलब हॉर्स की फोर uh, लेग ह्यूमन uh, की आम और उसके साथ साथ बैट के जो विंग्स हैं उन तीनों के डिफरेंट फंक्शन इसी तरह से अगर आप प्लांट्स में से एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम देखते हैं जो फ्लावर के डिफरेंट वर्ल्ड uh, हैं। वो बुनियादी तौर पर लीव्स थे और उन लीव्स का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शनली डिफरेंट हो गए सम आर सेपल्स एंड सम आर पेटल्स तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स हैं जो के स्ट्रक्चरली तो अलायक uh, होते हैं लेकिन फंक्शनली डिफरेंट होते हैं इसी तरह से uh, जो होमोलोगस ऑर्गन है इसको किस एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जा सकता है तो दैट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुआ और डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल जो हैं उनकी फॉर्मेशन ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कौन सी एवोल्यूशन होगी तो होमोलगस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखी जाएगी उसके मुकाबले में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा फंक्शनली सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यानी कि ऐसे ऑर्गन जो कि सेम फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है मिसाल के तौर पर आप देखिए तो हम कहते हैं विंग्स ऑफ द बैट विंग्स ऑफ द बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई तीनों का फंक्शन क्या है फ्लाइट लेकिन तीनों का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चरली तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये अनालगस हैं मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो शो uh, करते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है यानी कि uh, एक से ज्यादा uh, किस्म के जो टाइप uh, के इंडिविजुअल थे वो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में आए तो उनमें ऐसी मॉडिफिकेशन हुई कि वो फंक्शन तो सेम परफॉर्म करना शुरू कर गए लेकिन स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ सेम नहीं हो पाए तो दैट इज अबाउट द होमोलगस एज वेल एज अनगस बाकी के जो एविडेंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ रिमेनिंग एविडेंस में एक और इंपॉर्टेंट एविडेंस है कंपेरिटिव एम्ब्रियोलॉजी यानी कि अगर आप एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पर इंडिविजुअल को कंपेयर करें तो भी हमें एवोल्यूशन के आसार नजर आते हैं मिसाल के तौर पर आ, कहा गया कि अगर आप किसी भी जो आज के दौर में एडवांस इंडिविजुअल्स मौजूद हैं कंप्लेक्स इंडिविजुअल्स हैं उनकी अगर आप एम्ब्रोलॉजिकल स्टडीज देखें तो सिंपलेस्ट जितने वो सिंपलेस्ट यानी कि अगर आप जाइगोट स्टेज पे देखें तो ऑल आर यूनिसेलुलर यू जैसे ही वो जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जो कि मुरुला के स्टेज में आता है जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उससे अपर लेवल पे तो जैसे जैसे वो एडवांस कंप्लेक्स होता जाता है तो उनमें वेरिएशन आती जाती है अब आप फिशेस का एम्फेबियन का रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स या किसी भी इंडिविजुअल का जायगोड देखें तो वो ऑलमोस्ट uh, सेम है यूनिसेर यू कैरियॉर्ट इसका मतलब जितनी वो उसकी इनिशियल uh, स्टेज है वो आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगी जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती जाएंगी तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते जाएंगे तो इसी को कंपेरिटिव एम्ब्रियोलॉजी की एग्जाम्पल दी गई इसमें कहा गया क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि से ब्लास्टोला फिर फिर गैस्ट्रोला और उसके बाद ऑर्गेनोजेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गिल्स हैव मॉडिफाइड ट्यूब अब एक्चुअली अगर हम इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज देखें तो तमाम तो तो इंडिविजुअल में गिल्स मौजूद हैं लेकिन मैमल्स के केस में जब डेवलपमेंट हो जाती है तो गिल्स जो है वो स्टेचियन ट्यूब में जो कि हमारे एयरस को मिड मिडल एयर के थ्रू थ्रॉट के साथ कनेक्ट करता है उसमें डेवलप हो जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट इंडिविजुअल में मॉडिफाई होकर डिफरेंट फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए डेवलप हो जाता है तो इसके जरिए हम कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को इसी कंपेरेटिव uh, एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकल की सूरत में एक्सप्लेन किया उसने कहा कि देर इज ऑनि रिकेप्युलेट फाइलोजनी मतलब कि एंटोजनी रिपीट फाइलोजनी यानी कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस पे इंडिविजुअल्स होते हैं वो जैसे ही हम उसको अडल्ट स्टेज में देखते हैं तो अगर अडल्ट स्टेज में वो डिफरेंट है तो उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रही होती हैं जो कि कंपेरिटिव एम्ब्रियोलॉजी की एग्जाम्पल थी नेक्स्ट अगर हम एक और एविडेंस देखें तो मिलेक्युलर बायोलॉजी ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है अब अगर हम विजुअल uh, एविडेंस की बात करें तो वो रिकॉर्ड था लेकिन अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस की बात करें तो वो मेलेकुलर बायोलॉजी है जिसमें हम मुख्तलि इंडिविजुअल के जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स uh, हैं उनको मेलेकुलर लेवल पे अगर स्टडी करें तो वो मेलेकुलर बायोलॉजी का एविडेंस कंसिडर किया जाता है इसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एट डीएनए लेवल एंड प्रोटीन लेवल अब जो डीएनए लेवल पे करेंगे उनको हम कहेंगे जीन और जो प्रोटीन लेवल पे होंगे वो जीन प्रोडक्ट है यानी कि एक इंडिविजुअल का अगर डीएनए लेवल पे कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं कॉमन जेनेटिक कोड होता है यानी कि तमाम इंडिविजुअल का अगर आप जेनेटिक uh, कोड देखें तो वो uh, तकरीबन सेम uh, होता है उससे सेम काइंड ऑफ अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसलेट uh, किए जा रहे होते हैं इसी तरह से कॉमन रेस्पिरेटरी प्रोटीन जब जीन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे एरोबिक इंडिविजुअल जो मौजूद है टोटल जितने भी एरोबिक इंडिविजुअल हैं उन तमाम के अंदर एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन कॉमन है और वो कौन सी है दैट इज साइटोक्रोम सी ये पॉइंट भी एमसीक्यू के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो कि कॉमन है अमंग ऑल एरोबिक ऑर्गेनिस्ट लास्ट वन बायोकेमिस्ट्री ये एविडेंस जो है इसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एटीपी जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं एनरोबिक या एरोबिक उनके अंदर एनर्जी के लिए जो रेजरवायर है

क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है डिफरेंट फंक्शन तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे थे दैट इज बाय होमोलगस ऑर्गन डायरेक्टली होमोलगस ऑर्गन है ऑप्शन में देखिए तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डायवर्जेंट एवोल्यूशन एनालजी या म्यूटेशन तो होमोलोगस ऑर्गन से हो क्या रही थी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो इसका मतलब यह हुआ कि हम आसानी से अपने क्वेश्चन में यह बात समझ सकते हैं कि जब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगी तो वो होमोलोगस ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और अल्टीमेटली ऑप्शन क्या होगी राइट दैट विल बी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होता हम कहते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट परफॉर्म सेम फंक्शन तो सेम फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट या एनर्जी दोनों केसेस में कंसिडर किया जा सकता है सो so, इस क्वेश्चन में की हमारे पास होगा डिफरेंट फंक्शन बाय फोरलिम और राइट right ऑप्शन होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यहां तक का आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह